हेलो, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो इट्स अ ट्रैवल ब्लॉग, सो वी आर मूविंग। दिस टाइम इट वॉज इवनिंग व्हेन वी स्टार्टेड आवर ट्रैवल फ्रॉम रांची एंड वी विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू भुवनेश्वर एंड एट द टाइम अराउंड 2 o'clock we have started. So we have several works, so we finish our works and then we started our travel. So we will have a lot of fun on the way and with music and beautiful road and family, what else we need. So you can see, so the road is filled with beautiful greenery because of heavy rain this year, and beautiful weather makes our travel more lovely. रास्ते में जाने के टाइम में हमने थोड़ा सा रास्ते के किनारे रोक दिया था गाड़ी एंड थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी करा लिया था। ये जो वाइट कलर का फ्लावर देखते हैं, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। एंड ये जो वाइट बुशेस है, ये मोस्टली दुर्गा पूजा के टाइम में ही आता है एंड धीरे धीरे विंटर के बाद ये ख़त्म हो जाता है। एंड ये बहुत सुंदर लगता है एंड इसका जो वाइटनेस है दैट ब्रिंग्स द जॉय ऑफ दुर्गा पूजा। सो रास्ते में थोड़ा थोड़ा फोटो सेशन करते करते शाम हो गई थी एंड शाम होते रात को कम से कम 10 बजे के आसपास हम लोग ने भुवनेश्वर पहुंच किए थे। हम भुवनेश्वर में रात को रेस्ट कर लिया और मैंने शूट नहीं कर पाई एंड ये हो गई थी मॉर्निंग। एंड मॉर्निंग में देखिए हमारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स भुवनेश्वर में, दिस इज़ ब्यूटिफुल लुकिंग, लॉट ऑफ बंचेस ऑफ अपार्टमेंट यू कैन से। हम लोग अभी जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए एंड ये मॉर्निंग वॉक देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मॉर्निंग बहुत ब्यूटीफुल है भुवनेश्वर में एंड दिन में तो गर्मी रहता है एंड वॉक करते करते हम लोग दहीवड़ा दुकान में पहुंच गए हैं एंड जितना कैलोरी हम लोग ने लूज नहीं किया था उससे ज़्यादा कैलोरी हम लोग गेन कर लिए। ये दहीवड़ा मुझे बहुत पसंद है, ये एक्चुअली भुवनेश्वर का ही स्ट्रीट फूड है। मैं ना घर पे खाना नहीं घर करके इसी को ही खाती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ दहीबरा चाट, यू कैन टेल द वे हाउ दे आर प्रिपेयरिंग, यू जस्ट हैव ए लुक ओवर इट। सो दहीबरा के ऊपर में आलूदम वगैरह देते हैं एंड घुगनी देते हैं एंड उसके ऊपर लाइक सेव एंड सम दही, पुदीना एंड डिफरेंट लाइक पाउडर्स लाइक चिली पाउडर, जीरा पाउडर एंड सॉल्ट, ये सब गार्निश करके एक बहुत अच्छी सी चाट बन जाता है एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। भुवनेश्वर आती हूँ तो मैं कभी इसको मिस नहीं करती हूँ। दही बड़ा खाने के बाद घर आ गए थे हम लोग और ये देखिए शाम को मैं हम लोग पहुँच गए हैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट देख करके टेम्पल का फीलिंग्स आता है बिकॉज भुवनेश्वर इज़ अ सिटी ऑफ टेम्पल्स। सो ये एयरपोर्ट का थीम इन्होंने लाइक ट्रेडिशनल ओडिसी आर्ट्स एंड उड़िया आर्ट, ट्रेडिशनल टेंपल आर्ट्स रखा है। एंड हेलो, आई एम सिटिंग हियर एट भुवनेश्वर एयरपोर्ट एंड वी आर गोइंग टू अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आई विल नॉट टेल यू वेयर वी आर गोइंग बट यू हैव टू स्टे ट्यून विद मी टू सी हाउ आई एम गोइंग टू रीच अ ब्यूटिफुल प्लेस वाया इंडिगो। So now we are boarding at the airport, sorry, inside the aircraft and we are going to leave Bhubaneswar and Bhubaneswar mein raat ka nazara kuch aisa hi aata hai, bahut hi zyada pyara lagta hai, so pretty and so beautiful. You can see actually the hamara flight jo hai raat ko 8:30 ke aas paas hi tha. Itna sundar lag raha hai, the city of Bhubaneswar is filled with lights and just looking like Diwali in the city. एंड बहुत सुंदर था एंड ऐसे ही हम लोग ट्रिप करते करते पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन में एंड डेस्टिनेशन भी सुंदर ही है एंड इट इज़ ऑल्सो सेम लाइटेड एंड ब्यूटीफुल एंड दिस इज़ नॉट अ सरप्राइज बट इट इज़ काइंड ऑफ सरप्राइज दैट वी हैव रीच्ड टू द अहमदाबाद एयरपोर्ट। सो अहमदाबाद में हम लोग एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद अपना बैग कलेक्ट करके जा रहे हैं होटल
एंड होटल हमारा तेजुक था, ये अहमदाबाद एयरपोर्ट देखिए बहुत कलरफुल है। एंड अभी कैब लेकर के हम लोग होटल जा रहे हैं। रात को 12 बज रहा है बट फिर भी द टाउन इज़ सो लाइवली एंड नवरात्र के चलते इतना ब्यूटीफाई किया गया है रोड्स वगैरह फिर भी द ब्यूटीफुल कलरफुल लाइट्स एंड बहुत ही लाइवली लग रहा था सिटी एंड एकदम लाइक एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन एंड द सिटी इज़ जस्ट अलाइव एंड बहुत सुंदर था सिटी। एंड ऐसे ही हम लोग होटल पहुंच चुके थे एंड होटल में 12 बजने के आसपास पहुंचे तो होप नहीं था कि हम लोग को डिनर वगैरह कुछ मिलेगा बट ये रूम में हम लोग पहुँच गए। रूम भी देखिए कूल था रूम में हम लोग एंटर कर लिए और कोई होप नहीं था कि डिनर मिल पाएगा बट एक्चुअली नवरात्र के चलते ये यहाँ पे एक्चुअली 3 o'clock तक का रेस्टोरेंट खुला हुआ है तो इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग टू मी। हमारा रांची तो 9-10 बजे ही बंद हो जाता है सारा कुछ लेकिन हम लोग को 12 बजने के बावजूद भी हम लोग को खाना मिल सकता है। सो ये देखिए हम लोग एक्चुअली एक फैमिली फंक्शन में ही आए हुए हैं एंड इन्होंने ही बुक किया हुआ था हमारे लिए रूम एंड ये बेड के ऊपर एक्चुअली एक जो बैग्स दो रखे हुए हैं वो बैग्स को मैं ओपन करके देखती हूँ क्या है। एक्चुअली के अंदर में कुछ ट्रेडिशनल स्नैक्स गुजराती स्नैक्स था एंड ये देखिए टिपिकल गुजराती बैग एंड इस आई थिंक इट इज़ लाइक तोरण एंड दिस इज ट्रेडिशनल बैग एंड ऑल्सो वन दुपट्टा विच इज़ टिपिकल गुजराती स्टाइल। सो आई एम सो हैप्पी टू गेट ऑल दिस थिंग्स एज अ सरप्राइज यू कैन से एंड गुजराती स्नैक्स भी बहुत ही टेस्टी था। सो हम लोग की नाश्ता अभी तुरंत पहुंच जाएगा एंड रूम का व्यू भी बहुत ही अच्छा है कूल है एंड देखते देखते नाश्ता पहुंच गया है नाश्ता नहीं सॉरी डिनर एंड डिनर में डिनर मिल गया ये बहुत बड़ी बात है बट डिनर में ऐसे हम लोग को मिला है लाइक पनीर की सब्जी सब मसाला ग्रेवी एंड बहुत टेस्टी सा पराठा था एंड उसके साथ सम सलाड्स एंड पापड़ एंड उसको सब हम लोग खा लिए। रात को 12 बजा था 1 बज रहा था तो खा के हम लोग सो गए सुबह तैयार हो गए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो टुडे इज द डे 2 फॉर नवरात्र एंड वी आर ऑल सेट फॉर द सेलिब्रेशन एट गुजरात। लेट्स सी हाउ द सेलिब्रेशन फॉर नवरात्र इन गुजरात सो वी विल एक्सपीरियंस एंड आई विल ऑल्सो मेक यू एक्सपीरियंस विथ मी going to a function of our family friends and this is a baby shower celebration so we are all in a traditional attire and I will make a nice time over here and I will also make you experience with me so this is what they have arranged for the baby shower celebration it's so beautiful and pretty it's a boy or it's a girl I don't know so It's a lot of dilemma in that. So the cameraman is also लोकल मार्केट गुजरात का नवरात्र के टाइम में बहुत ही सुंदर लाइक रोड साइड मार्केट ही है ये। रोड साइड मार्केट में बहुत सारा लहंगा चोली इस तरह से बहुत सारा सामान बहुत ट्रेडिशनल अटायर्स मिल रहा था बहुत कुछ हम लोग देखा कुछ खरीदा। Oh,
टाइम हो गया था रांची आने के टाइम में हम लोग ट्रेन से आए. यू कैन सी आफ्टर लॉन्ग ईयर्स वी हैव ट्रेवल्ड इन द ट्रेन एंड द व्यू फ्रॉम ट्रेन वॉज सुपर. सो रांची आ गए हैं हम लोग. एंड ट्रेन में क्यों आए ये हमारा नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा. हम लोग ने गाड़ी को भुवनेश्वर में ही छोड़ दिया था. एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल.